गुड मॉर्निंग और दस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है मैं और वीरू रहेंगे अगले आधे घंटे और एक पावर पैक लाइनअप है हमारे साथ रचना वैद्य और सचिन पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं उसके अलावा अमित सेठ और नीलेशाह भी जुड़ेंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ इसके अलावा बिग मार्केट वॉर्सेस में बाज़ार पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मोथिलाल ओसवाल के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गर जुड़ेंगे एक बहुत शानदार रिपोर्ट उन्होंने लिखी है आज सुबह सुबह अर्निंग्स के ऊपर उन पर उस पर होगी एक खास चर्चा आ, कुछ ही देर में लेकिन पहले एक बार जरा मार्केट की बात करते हैं मार्केट में सेलिंग प्रेशर है इस समय क्योंकि बैंक निफ्टी में फिर हायर लेवल से गोता लगाया और ऑलमोस्ट डे लो पर आया निफ्टी भी ऑलमोस्ट डे लो पर और आज इवन निफ्टी आईटी भी हायर लेवल से थोड़ा स्लिप हुआ हालांकि निफ्टी आईटी है अभी भी ग्रीन में ओके अब रेड में आ गया निफ्टी आईटी भी एकदम से वो जो कोलेप्स आया निफ्टी आईटी भी रेड में आया कुछ हद तक रिलायंस मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ओवरऑल मूड खराब है एक सेक्टर जो मार्केट की हेल्प कर रहा है वो है एफ एम मैरिको हुआ डाबर हुआ गोदरेज कंज्यूमर हुआ ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे खासे मोमेंटम है टाटा कंज्यूमर यूनाइटेड स्पिरिट्स इनको भी आप ऐड कर सकते हैं ब्रिटानिया एक्सेट्रा हालांकि टाइटन बीक अपडेट के बाद सबसे बड़ा लूजर है चार परसेंट नीचे बैंक ऑफ बड़ोडा तीन परसेंट नीचे और आरबीएल बैंक करीब दो परसेंट नीचे बिरु

बीरेन जी आज का थीम डेफिनेटली एफ एम है डाबर मेरिको काफी अच्छे से कवर हो चुका है ऑलरेडी उसके अलावा जो स्टॉक मुझे सेक्टर से पसंद आ रहा है डेट इज कोलगेट पामुले अभी भी एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से मिल रहा है स्टॉक ने ग्राउंडिंग पैटर्न बनाया अपना टेंट ट्वेंटी फिफ्टी डेमा पे कंसोलिडेशन एक अच्छा किया और एक बेस से बाहर आ रहा है टू नाइन फोर सेवन का प्राइस है इसका आ, तो इसे लेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ थ्री थाउजेंड एंड स्टॉप लॉस ऑफ टू नाइन वन जीरो

जी, यहाँ पर दो स्टॉक्स हाईलाइट करना चाहूंगा एक तो पहला स्टॉक है जो कैश सेगमेंट से है एंड ये पहली बार मैं रेकमेंड कर रहा हूँ एक अच्छे लगातार लो, लो बॉटम सीक्वेंस या फिर एक बेरिश ट्रेंड में रहा था ये काउंटर कुछ सालों से से एंड जिस तरीके से पिछले तीन महीने में जो एक कंसोलिडेशन बेस बनाया है मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी खरीदारी करनी चाहिए पेटीएम के काउंटर में सो so, वन नाइन्टी से खरीदारी करने की सलाह होगी जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है एक क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है डेली चार्ज पे जो एग्जिबिट कर रहा है कि कहीं जाकर नियर टर्म बॉटम यहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुका है मोमेंटम के लिहाज से 540 का यहाँ पर टारगेट होगा स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 440 के आसपास प्लेस करना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड अक्यूमुलेट करना है पीटीएम के काउंटर को जो सेकेंड स्टॉक मेरे रेडार पे है आ, मुझे लग रहा है यहाँ पर लगातार एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली चाल बन, आ, बनी इंटैक्ट रही है यहाँ पर बीई एल में जिस तरीके से वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था पिछले हफ्ते में एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ था वो एक्टिवेट होने के बाद कंसिस्टेंटली यहाँ पर एक अच्छी हाइट ऑफ हायर बॉटम की ट्रेंड है सो तो ट्रेडिंग के लिहाज से एक अच्छा स्विंग बन सकता है अराउंड थ्री फिफ्टी फाइव तक सो तो अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड थ्री ट्वेंटी सेवन पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग एडिशन करने की सलाह होगी बीई एल के फ्यूचर में ओके okay, बीएल के फ्यूचर्स में लॉन्ग की सलाह होगी इस समय रचना जी आ, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस समय के जी आ, मेरी तरफ से रहेगा शॉर्ट साइड पे ही रहेगा और मार्केट इस घंटे थोड़ी अपनी गिरावट के मूड में है तो इस घंटे के जो ट्रेड्स हैं वो शॉर्ट साइड पे रखेंगे हम एक रहेगा ओब्रॉय रियल्टीज और दूसरा रहेगा इंडिगो ऑपरेबिलिटीज की जहां तक बात है तो 1757 के करीब है इसके फ्यूचर्स अब अगर यहाँ पे 1767 का दस रुपए का ऐसा लगाएंगे तो पे ये 1740 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ रहा है और दूसरा जो है विच इज इंडिगो वैसे काउंटर स्ट्रॉन्ग है लेकिन आज के लिए यहाँ पे गिरावट का मूड बना हुआ है और एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन ये तोड़ रहा है तो 4320 का अगर हम ऐसे लगाएं यहाँ से माने रुपए का तो डाउन साइड पे ये 4280 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आएगा ओके okay, इस बीच हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं नीलेश गुड मॉर्निंग आपके दो ट्रेड इस पर के गुड मॉर्निंग विरेंद्र जी गुड मॉर्निंग एवरीवन देखिए खरीदारी पर फोकस है और सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी नेस्ले इंडिया को Uh, काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है यहाँ पर एक फॉरिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक यहाँ से 2650 और 2700 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है टू uh, फाइव का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा नेस्ले इंडिया को लॉन्ग करने की सलाह होगी इसके अलावा बी एल एक दूसरा स्टॉक था जो ऑलरेडी कवर हो चुका है स्ट्रक्चर वहां पर भी स्ट्रॉन्ग है बट सिमिलर स्ट्रक्चर बी बी एच एल बेल इस पर्टिकुलर काउंटर में भी देखने को मिल रहा है और चार्ट पैटर्न पर पर भी है ऊपरी 330 से मिड कैप्स के के में, में और खैर आज के रिकवरी का मेन सूत्रधार तो एफ एम सी जी निफ्टी एफ एम सी जी इंडेक्स फिर से देख लेते हैं उसको रिविजिट करते हैं क्योंकि वो इस समय डे हाई पर करीब करीब एक सवा परसेंट ऊपर और अब टॉप निफ्टी गेनर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स करीब करीब पौने दो परसेंट ऊपर लीवर में अच्छे मंवा रहे हैं नैस्ले में भी अच्छा मूवाया इनफैक्ट लास्ट कुछ मिनटों में नेस्ले में अच्छा मूँ आया है और वहाँ पर इस समय थोड़ा सा मोमेंटम है और उसके अलावा रिलायंस एक बार जरूर स्क्रीन पर रखिए क्योंकि एक अगर डिफरेंशियल कोई है इस समय स्क्रीन पर तो वो रिलायंस ही है इस समय सचिन एक बार रिलायंस पर आपका टेक हो जाए देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है थर्टी टू हंड्रेड का एक छोटा सा बैरियर है अगर ये निकल जाता है तो इमिडिएटली यू नो नेक्स्ट लेग ऑफ द मूव अनफोल्ड होगी बट ट्रेडिंग के लिहाज से डेफिनेटली अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन है तो उसे रिटेन करने की सलाह होगी एक अच्छे बेस के ब्रेकआउट के बाद ये चाल थोड़ी सी अनफोल्ड हो रही है तो थोड़ा सा समय देने की जरूरत है स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड थर्टी वन uh, सिक्सटी एट के आसपास लगाए एंड अपने लॉन्ग पोजिशन को रिटेन करें ओके okay, चलिए अब एक काम करते हैं अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात हो जाए और थोड़ा सा एक फंडामेंटल बात हो जाए क्योंकि बजट की डेट अनाउंस हो चुकी है और क्वार्टरली अर्निंग्स वो भी इस हफ्ते शुरू हो जाएंगे दोनों बड़े ट्रिगर्स हैं और दोनों पर बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स से बात करते हैं जो दोनों पर काफ़ी अच्छी नज़र रखते हैं और जिनकी रिसर्च आई थिंक मार्केट में बेस्ट रिसर्च में से एक मानी जाती है मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल एक्विटीज़ के रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़ हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं गौतम जी के पास करीब तीन दशक का अनुभव है और मोतीलाल ओसवाल के साथ भी वो बारह साल से जुड़े हुए हैं गौतम गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो इतनी शानदार रिपोर्ट लिखी है आपने मैं पढ़ रहा था और कल मेरी और आपकी बातचीत भी हो रही थी मैं आपसे पूछ रहा था क्योंकि आपकी रिपोर्ट जो है ना उसको मैं हर क्वार्टर में आई लुक फॉरवर्ड टू इट क्योंकि सबसे आई थिंक अर्निंग्स में सबसे शानदार रिपोर्ट आपकी ही होती है और वो एक रिपोर्ट पढ़ने के बाद और किसी रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत होती नहीं है पहले तो ये 200 पेज की रिपोर्ट इसको बनाने में टाइम कितना लगता है नो जिस पर पूरी टीम काम करती है हमारी हाँ, करीब हाँ, पचास लोग की टीम है रिसर्च हाँ। एनलिस्ट जिसमें सत्रह सेक्टर सत्रह लीड एनलिस्ट हैं हमारे और हम उसमें तेईस सेक्टर और करीबन करीबन तीन सौ कंपनीज का एनालिसिस देते हैं और चूंकि ये पहला क्वार्टर है पहले क्वार्टर में हम पूरा साल को ब्रेक कर देते हैं चार क्वार्टर में सो तो आप देखेंगे तो, आपने, हाँ। तो आ, ये क्वार्टर का रिपोर्ट बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें आपको एक फुल ईयर को एट द बिगिनिंग ऑफ दर इट सेल्फ चार क्वार्टर में स्प्लिट करना होता है तो लगभग लगभग दस से पंद्रह दिन इसमें पूरे जाते हैं बिल्कुल और देखिए टीम एफर्ट तो है ही कोई भी चीज़ है वो हमेशा टीम एफर्ट से ही जो बात बनती है अच्छा आपने एक जो आपकी आ, रिपोर्ट है उसका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग रखा है रिटेल रेप्सडी इसका मतलब रिटेल पर आप पूरा फोकस कर रहे हैं सर। ये थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि इसका क्या मतलब है तो इसका बड़ा सिंपल मतलब है अनुज अगर आप मार्केट का एक इवोल्यूशन देखते हैं पिछले 10-20 साल का तो एक तो, दौर ऐसा था जब मार्केट uh, की जो मूवमेंट होती थी एफ आई आईस पे इंस्टीट्यूशन पे, हाँ। पे डिपेंडेंट थी हाँ। आपको याद होगा 2008 हजार आठ में जब एफ आई एस ने केवल दस बिलियन डॉलर बेचा था जो की वो बड़ा नंबर था उस समय के मार्केट के कैपिटल हाँ हम ऑलमोस्ट फिफ्टी प्लस डाउन थे अभी 2022 में एफ आई सोल्ड सेवनटीन बिलियन डॉलर्स मार्केट फ्लैट था बिल्कुल अगर आप देखते हैं 2022-23-24 ऐड कर लीजिए ढाई साल का तो टोटल फ्लोज एफ का साढ़े चार बिलियन डॉलर्स है उसमें ये भी जून के महीने में जो पाँच बिलियन डॉलर आया उसके वजह से अदरवाइज ज़ीरो था ढाई साल में इसके मुकाबले डोमेस्टिक फ्लोज है एट्टी बिलियन डॉलर्स एट्टी टू इज अग नंबर इट्स ऑलमोस्ट सेवन लैक करोड वर्सेज अबाउट फोर फाइव बिलियन डॉलर तो जो मार्केट का पिछले तीन चार साल का एक मूवमेंट रहा है ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन रहा है इसमें रिटेल ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है जिसका हम कई सालों से वेट करते थे कि इंडिया में रिटेल पेनिट्रेशन कब बढ़ेगा इक्विटीज का पेनिट्रेशन इक्विटीज का कल्ट कब आएगा ये अब हमारे आंखों के सामने दिख रहा है आपके डिमेट अकाउंट आप देखिए साढ़े करोड़ थे दो मार्च में आज सोलह करोड़ हो चुके हैं इंडिया में एम एस सी एम एस सी आई में इंडिया का वेट जो नौ टका होता था वो उन्नीस टका हो गया है चार साल में और पूरा जो एक तरीके से हम देख रहे हैं चाहे एस आई पी हो वही पैसा ई पी एफ ओ से आ रहा है एन पी एस से आ रहा है रिटेल बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक कहावत होती थी पहले एक एक परसेप्शन था कि रिटेल हमेशा तेजी के बाज़ार में ख़रीदता है, है। इसलिए हमने वो पॉइंट बहुत प्रोमिनेंटली मैंशन किया है हमारे रिपोर्ट में कि ऑन दिस काउंट एटलीस्ट दिस टाइम इट इज़ इंडीड डिफरेंट आप देखिए जिस दिन इलेक्शन के भी रिजल्ट्स आ रहे थे ने उस दिन, बेचा था, हाँ, तो रिटेल का जो बिहेवियर रहा है हाँ, काफी हाँ, हुआ रहा है। हाँ, 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 कुछ पॉकेट्स ऑन द मार्केट में इसके वजह से एक बड़ा वैल्युएशन बहुत महंगे हुए लेकिन इन जनरल अगर आप देखते हैं जो रिटेल मोमेंट का हम वेट कर रहे थे वो हमारे सामने पिछले तीन चार साल से अब हो रहा है और हमारा ये व्यू है कि ये यहाँ से और बड़ा होगा क्योंकि जो पैसा बाजार में आया है आज भी अगर आप सारे सूत्र ऐड कर ले म्यूचुअल फंड एआईएफ इंश्योरेंस पीएमएस ईपीएफओ एनपीएस सब मिला लेते हैं, तो साढ़े तीन चार बिलियन डॉलर होता है अगर आप उसका एक रन रेट निकालते हैं ईयरली एवरेज विल भी फोर्टी फाइव फिफ्टी बिलियन डॉलर्स जो कि आज के डॉलर रेट के हिसाब से चार लाख करोड़ है जबकि आपका जो टोटल डिपॉजिट है इंडिया का 210 लाख करोड़ के आसपास कुछ नंबर है जो सालाना 10 से 12 परसेंट बढ़ रहा है तो इतना रिटेल में और इतना मार्केट में अच्छा रिटर्न के बावजूद भी डिपॉजिट एक्शन सालाना 20 लाख करोड़ है हाँ। और इक्विटी में सब मिला के चार लाख करोड़ आ रहा है मैं उस पर आ रहा था एक्चुअली अब वो क्योंकि अब मार्केट पर आते हैं और मेरा अगला सवाल यही था मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर है बैंक्स और एक चीज तो क्लियर है बैंकों को डिपॉजिट नहीं मिल रहे हैं डिपॉजिट नहीं मिलेंगे तो बैंकों की अर्निंग्स बढ़ेगी कैसे आ, सब बैंकों के मैं देख रहा था तो क्वार्टर क्वार्टर डिपॉजिट कम हो रहे हैं एक रिस्क ये लग रहा है कि कहीं हर कोई अब कह रहा है कि नहीं अब डिपॉजिट नहीं रखना मुझे एफडी नहीं करनी मुझे सेविंग्स में नहीं रखना मैं स्टॉक मार्केट में डालूंगा एस आई पी करूँगा हर कोई ये करने लगेगा तो अगर इतना सबसे बड़ा सेक्टर है उसमें अगर दिक्कत आ गई तो आ, बैंकों पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है फिर नहीं अनुज पहले तो ये बात है कि जो पैसा इक्विटी मार्केट में आता है एस आई पी में आए म्यूचुअल फंड में आए लंपसम में आए डायरेक्ट

उसी लिए हमने देखा है कि रेट्स नीचे नहीं आ रहे हैं डिपॉजिट्स के लिए कंपटीशन हो रहा है और पिछले पांच क्वार्टर से बैंक्स के जो मार्जिन है वो नीचे आ राइट हाँ। right? और क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जिसके बारे में लगभग हर बैंक्स ने कमेंट किया है इनफैक्ट आरबीआई ने भी कुछ दिनों पहले फिर से उस पर कमेंट किया है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेशो उभर के आया है पिछले छ नौ महीनों में पहले साल भर पहले कोई क्रेडिट डिपॉजिट रेशो की बात नहीं करते बिकॉज निम्स में प्रेशर आया है और डिपॉजिट का ग्रोथ थोड़ा आगे पीछे हुआ है तो हम ये देख रहे हैं कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशो को लेकर थोड़ी सी एक मार्केट uh, में कंसर्न हुई है बट मुझे लगता है कि दोनों चीजें साथ में हो सकती है राइट right? आपका इक्विटी का पेनिट्रेशन पूरा इंडिया में आज भी पाँच परसेंट है अगर आप सेविंग्स का पेनिट्रेशन देखते हैं राइट hmm, hmm, right? hmm. और फिक्स डिपॉजिट का पेनिट्रेशन है थर्टी सेवन परसेंट सो इफ यू लुक एट हंड्रेड रुपीज ऑफ अ सेविंग थर्टी सेवन इज स्टिल गोइंग इन टू फिक्स डिपॉजिट एटीन इज गोइंग इन टू रियल इस्टेट देन गोल्ड देन स्मॉल सेविंग स्कीम्स और आखिरी का जो पांच परसेंट बसता है वो इक्विटी और म्यूचुअल फंड वो मिचल तो में के वो तो बढ़ बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है है तो कहीं वो वो थोड़ा इंटरमीटियंट रिस्क रहेगा हाँ। बट ये बहुत अच्छी चीज हो रही है ओके। क्योंकि इक्विटी के जो पिछले चालीस पैंतालीस साल के अगर आप रिटर्न देखते ये साइकिल भी छोड़ देते दस पंद्रह रोलिंग रिटर्न आप देखिए इक्विटी ने हमेशा एक एटलीस्ट आप इंडेक्स ले लेते बारह तेरह परसेंट का आपको एक कंपाउंडिंग दिया है तो एक डेमोग्राफी जो हमारा है यंग डेमोग्राफी जहां पे सेविंग्स रेट ज्यादा है अभी और इक्विटी पेनिट्रेशन कम है आगे के हिसाब से अगर आप सोचते हैं अगला 10-20 साल जहाँ पे सेविंग्स जोर से बढ़ने वाली है अगले 25 साल में जो हमारा अनुमान है कि अगले 25 साल में जो सेविंग्स दर रहेगी टोटल सेविंग्स जो कम्यूनिटी इंडिया का रहेगा ऑन अ हाई बेस ऑफ जी एक बहुत बड़ा आंकड़ा रहेगा ये पूरा का पूरा पैसा अब आपको फिक्स डिपॉजिट में नहीं जाएगा बिकॉज लिटरेसी भी बढ़ रही है राइट फिनेंशियल लिटरेसी भी इंडिया में बढ़ रही है और जो लोगों ने पैसा बनाया है पिछले पाँच दस सालों में वो फिक्स डिपॉजिट से कई ज्यादा बनाया तो बैंकों को उस पे कुछ इनोवेशन लाना होगा डिपॉजिट के लिए बैठे बिठाए अब अभी थोड़ा सा बी एफ एस आई पे क्योंकि आपने काफी क्योंकि आप हिस्टोरिकली बीते चार पांच इंटरेक्शन में रियल स्टेट पे काफी बुलिश थे और गोल्ड फाइनेंस कंपनियां यहाँ पे आपका टेक क्या है पिछले तीन महीने वाकई एच के लिए सरप्राइजिंग रहे हमारे पास अवेलेबल एल हाउसिंग फाइनेंस कैनफिन होम्स सारे ऑल टाइम हाई पे हैं ये दो स्पेस कैसे लग रहे हैं आपको इस वक्त सो इन स्पेस पे हमारा एक न्यूट्रल टू मार्जिनल पॉजिटिव व्यू रहा है इस पर अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को देखेंगे तो हमारे पास पी हाउसिंग फाइनेंस एक डायरेक्ट प्ले हमने रखा है बिकॉज हमें लगता है वहाँ पर प्रोपोर्शन ऑफ रिटेल ई काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है बैलेंस शीट क्लीन अप हो चुका है दूसरा वैल्यूएशन अभी भी बहुत सस्ते हैं वहाँ पे तो हमें पीएनबी हाउसिंग वहाँ पे ठीक लगता है दूसरा आपने व्हीकल फाइनेंस की बात की वहाँ हमें लगता है कि ये क्वार्टर के नंबर थोड़े से बेटर रहेंगे कंपेयर टू हाउसिंग फाइनेंस बिकॉज मार्जिनस आर रिलेटिवली स्टेबल टू अपवर्ड स्लोपिंग देयर तो वहाँ पर हमारा प्रेफरेंस रहा है चोला और वो चोला भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है काफ़ी टाइम से बट इन जनरल अगर आप हमारा पूरा एक व्यू देखेंगे फाइनेंशियल्स पे तो पिछले दो ढाई साल से हम पी एस यू बैंक्स पर बहुत पॉजिटिव रहे हैं और ये क्वार्टर में भी हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया है हमारा अभी भी प्राइवेट बैंक्स पे अंडरवेट है और पीएस यू बैंक्स पे एक बड़ा ओवरवेट बना हुआ है सो टोटल फाइनेंशियल्स वी आर न्यूट्रल बट विद इन दैट पी एस यू बैंक इज अ बिग ओवरवेट प्राइवेट बैंक इज अ स्मॉल मार्जिनल अंडरवेट एंड एन बी एफ सी इज अ न्यूट्रल पोजिशन गौतम जी को जितनी बार सुनते हैं उतनी बार लगता है कि स्टे विद पी एस सी आपका कन्विक्शन वाकई अगर आप देखें पिछले कम से कम मैं चार क्वार्टर्स में देखूं बहुत स्ट्रॉग रहा है सर यहाँ पे अच्छा दूसरा फैक्टर है जो इस रिपोर्ट में मैंशन किया गया है अर्निंग्स को ड्राइव करेगा बी और ऑटो ऑटो पे आपका टेक इस वक्त अब ऑटो बहुत धड़े हैं कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट टू व्हीलर स्पेस एंड देन टायर स्पेस और बैटरी स्टॉक्स सब में अच्छा मूव देखा हमने यहां से so, कोई best... रहा है। के से भी देखते हैं और स्टॉक के परफॉर्मेंस से भी इनफैक्ट इस क्वार्टर के हमारे रिपोर्ट में हमने अभी ऑटो को ओवरवेट से अंडरवेट कर दिया है राइट right? हमारा एक ओवरवेट पोजीशन था मॉडल पोर्टफोलियो में पिछले तीन महीने में जो रैली आई है महिंद्रा एंड महिंद्रा 44 परसेंट हमारे पास मदरसन था संवर्धना इन द मॉडल पोर्टफोलियो वो स्टॉक पिछले तीन महीने में सेवेंटी टू परसेंट रिटर्न दिया है और क्राफ्ट्समैन था थर्टी फाइव परसेंट रिटर्न मिला है उसमें तीन महीने में तो हमने इस रैली को यूज़ किया है थोड़ा सा वेट कम करने में तो अभी हमारे पास मदरसन सॉरी महिंद्रा एंड अशोक लेलैंड ये दो पिक्स रहे रखे हमने मॉडल पोर्टफोलियो में अर्निंग्स काफ़ी ठीक रहेगी अठारह का ग्रोथ का हमारा अनुमान है ये क्वार्टर में जिसमें टू व्हीलर्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है और वॉल्यूम्स के नंबर आ ही चुके हैं बट आगे जाके हमें लगता है अर्निंग्स अब थोड़ी सी स्टेबलाइज होगी ऑटो सेक्टर में पिछले आठ क्वार्टर धमाकेदार रहे हैं ऑटो के इसलिए ये अठारह परसेंट भी थोड़ा मॉडरेट लगता है और ये फर्स्ट हाफ का जो अठारह परसेंट रहेगा सेकेंड हाफ में हमें लगता है ऑटो के अर्निंग्स दस बारह परसेंट के आसपास आ जाएंगे इसलिए हमने उस सेक्टर को थोड़ा सा अंडरवेट कर दिया है और वो वेट हमने डाला है आई और फार्मा में जहाँ हमने अंडरवेट और न्यूट्रल स्टांस को दोनों इसमें ओवरवेट कर दिया है सो so, आई जो अंडरवेट था उसको ओवरवेट कर दिया है और फार्मा जो न्यूट्रल था उसको भी ओवरवेट कर दिया है तो so, ऑटो हमारे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले दो साल में आ, उस रिटर्न्स का हमने अभी रीएलोकेशन कर दिया है बिल्कुल अच्छा सिंस बात कंजम्पशन की हो रही है ऑटोज़ की हो रही है तो एक दूसरे साइड ऑफ कंजम्पशन पर आते हैं वो जो पिछले आई थिंक नौ महीने में आप सबसे आगे रहे हैं स्ट्रेट में वो है ट्रेंड और लगातार आपने जो टारगेट्स दिए हैं और जबकि जो जब उस समय आप टारगेट देते थे तो अग्रेसिव लगते थे और वो उसको उन्होंने बार बार एक्सीड किया है <coughs> क्या अब लेकिन दो चीज़ें एक तो क्या बेस इफेक्ट कैचअप हो गया और एक क्या स्टॉक बहुत महंगा हो गया अब क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर सो so, सोलो बिल्कुल सही कहा आपने बट मैं एक सच्चाई बता दूँ आपको ट्रेंड का भाव जब हज़ार रुपया था दो ढाई साल पहले तब भी तब भी मुझे महंगा लगता था फिर क्योंकि हमने अपग्रेड ही आठ सौ रुपये पर किया था इसको ढाई साल पहले दो ढाई साल पहले हाँ फिर हमें दो हजार भी महंगा लगा और फिर लास्ट ईयर तीन साढ़े तीन तो बार, और... बार हिल्स की प्रॉपर्टी हो गई ना वो तो <laughs> कभी भी देखोगे महंगी लगेगी वो लेकिन आपने एक सही बात कही है अभी हाँ। इसका बेस काफी बड़ा हो गया और मार्केट कैप बहुत बड़ा हो गया है दूसरा इसके निफ्टी में भी आने की अभी आशंकाएं हाँ। बढ़ गई है हाँ। हमने इस स्टॉक पे एक बड़ा सिंपल नजरिया रखा है कि जब तक कंपनी हमें अर्निंग्स पर डिसअपॉइंट नहीं करती है हम व्यू नहीं चेंज कर और पिछले तीन क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि चाहे टॉप लाइन ग्रोथ हो चाहे बॉटम लाइन ग्रोथ हो ये एक अलग ही जोन में है बिकॉज इनके जो पियर्स है रिटेल सेक्टर में उनका टॉप लाइन ग्रोथ बड़े मुश्किल से 10-15 परसेंट आ रहा है इनका टॉप लाइन ग्रोथ 30 से 50 के बीच में रेंज कर रहा है इनके अर्निंग्स दो दो तीन तीन गुना बड़े हैं बट ऑल सेड एंड पिछले एक साल में ही ये स्टॉक साढ़े तीन गुना ऊपर है तो अब यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें एक कूल ऑफ होना जरूरी है और अर्निंग्स को फिर से कैचअ करना पड़ेगा और जो मार्केट कैप अभी बन चुका है उस उसपे इस पेस पे इस रफ्तार से भागना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए कंजम्पशन पे हमारा व्यू पॉजिटिव है बट डिस्क्रिशनरी में हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट है हम स्टेपल्स में अंडरवेट थे अभी भी अंडरवेट है सिर्फ हमने आईटीसी का जो वेट है वो हिंदुस्तान लीवर गोदरेज में शिफ्ट कर दिया है नहीं। नहीं। बाकी जो हमारे फेवरेट पिक्स थे डिमार्ट और... जोमैटो टाइटन इंडियन होटल्स ये सब हमने रखे और साथ में दो और स्टॉक्स हमने उसमें ऐड किए के और कल्याण ज्वेलर्स के आई इंडस्ट्रीज और कल्याण ज्वेलर्स यस yes, और पहले से हमारे पास मेट्रो सेल है तो हमारे पास टोटल दस कंज्यूमर स्टॉक्स है जिसमें से आठ डिस्क्रिशनरी है और दो स्टेपल्स है के आई और आ, हाँ देखिए के आई दिख रहा है उसमें और एक ऐड किया गया कल्याण ज्वेलर्स अब आपने सिंस कल्याण ज्वेलर्स की बात कर दी आ, मैं दो सवाल पहले मैं एक्चुअली स्टेबल्स की बात करने वाला था लेकिन सिंस ये टॉपिक ज़्यादा नया हो गया आज टाइटन नेगेटिव रिएक्ट कर रहा और आपने बोला कि टाइटन पर आपका ओवरवेट है क्या मार्केट शिफ्ट हो रहा है अब कल्याण ज्वेलर भी और एकदम छोटा प्लेयर नहीं है बड़ा प्लेयर है आ, उसकी ग्रोथ कंपेरेटिवली टाइटन से बेटर रही है आ, पिछले तीन चार क्वार्टर से आ, तो क्या ये जो मार्केट शिफ्ट हो रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से ये कंटिन्यू करेगा टाइटन ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है छः महीने से आ, बोथ इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस एज वेल सो अनुज टाइटन हमारा पिछले बारह साल का टॉप आइडिया रहा है हुँ. और वहाँ पर हमारा व्यू अभी भी चेंज नहीं हुआ है अगर आप एक दस बारह साल का स्टडी करते हैं टाइटन का परफॉर्मेंस का आप देखेंगे हर दो तीन साल में उनके एक दो क्वार्टर ऐसे आते, आते हैं जहाँ पे कुछ कंसर्नस आया थे ग्रोथ को लेके कंपटीशन को लेके कभी मार्जिन को लेके कभी डिस्काउंटिंग हाँ. को लेके दैट इज द बेस्ट पीरियड टू अक्यूमुलेट दैट स्टॉक बिकॉज अदरवाइज इट इज ऑलवेज वेरी एक्सपेंसिव जो दूसरी बात आपने कही इंडस्ट्री की तो इंडस्ट्री में एक बहुत क्लियर ट्रेंड है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज और ये कोविड के पहले से चालू हुआ था डिमोनेटाइजेशन के टाइम से और फिर जो गवर्नमेंट ने जो जो मेजर्स लिए हैं चाहे पैन कार्ड हो या हॉलमार्क जो किया है ज्वेलरी का इसके वजह से पूरा मार्केट शेयर जो इंक्रीमेंटली शिफ्ट होता जा रहा है अनऑर्गनाइज टू ऑर्गेनाइज अभी पाँच साल पहले केवल या दस साल पहले केवल टाइटन एक क्रेडिबल प्लेयर होता था नेशनल लेवल पर और उसके नीचे फिर कोई नहीं था आज अगर आप देखते हैं तो आपके पास कल्याण ज्वेलर्स है जो काफ़ी अच्छे से एक्सपांड कर रहे हैं उनका टॉप लाइन ज्वेलरी का आप देखेंगे करीबन 16000 करोड़ हो गया है डोमेस्टिक में फिर सैनको है जो ईस्टर्न फोकस प्लेयर है लास्ट ईयर ही जिनका आई आया था वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं दोनों स्टॉक पे हमने अभी कवरेज किया है दस दिन पंद्रह दिन पहले विथ अ तो बाई रेटिंग सो मुझे लगता है ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा है साढ़े छः सात लाख करोड़ का ये इंडस्ट्री का साइज़ है इसमें पाँच और टाइटन को एग्जिस्ट कर सकते हैं अगले दस पंद्रह साल का अगर आप नजरिया देखें तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अभी ये क्वार्टर का जो उनका प्रेस रिलीज़ आया उसमें उन्होंने केवल नाइन ग्रोथ दिखाया है जबकि कल्याण के इसमें सत्ताईस टका ग्रोथ आया है तो रिलेटिव वो थोड़ा सा एक क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरवेट ओवरवेट लोग वो स्टांस करेंगे बट मुझे लगता है फ्रॉम अ थ्री टू फाइव ईयर पर्स्पेक्टिव बोथ कैन डू वेल ओके एंड दूसरी बात हो रही थी आज के टॉप गेनर्स में, में मेरिको और डाबर है हालांकि आपने कहा है कि इस स्पेस में आप थोड़े से अंडर हैं लेकिन इनकी कॉमेंट्री ठीक ठाक लग रही है कुछ व्यू है चेंज करने का बिल्कुल सो so, इसमें क्या हुआ है नो नरेटिव काफ़ी चेंज हो गया है फोर्थ जून के बाद से हाँ राइट right, एक तो मानसून को लेके था बिल्कुल दूसरा गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी है बजट में हमें ऐसा लगता है कि जो उनको एक्स्ट्रा एक डेढ़ लाख करोड़ का बाउंड्री मिला है आरबीआई डिविडेंड से वो उसको काफ़ी स्ट्रेटिकली यूज करके बॉटम एंड मिडिल क्लास इनका कंजम्पशन को एक बढ़ावा दे, दे सकते हैं अगर वो होता है तो इन स्टॉक्स के वॉल्यूम ग्रोथ बिना ज़्यादा चेंज हुए भी इनके मल्टीपल थोड़े रीरेट हो सकते हैं क्योंकि पिछले ढाई तीन चार साल से आप देखेंगे स्टॉक्स लाइक हिंदुस्तान लीवर डाबर गोदरेज मैरिको यू you नो know, ये इमामी ये सब काफ़ी एक रेंज में रहे तो इनका शायद से थोड़ा थोड़ा टाइम वापस आ रहा है हालांकि इमिजिएट ये क्वार्टर में हमें कोई ऐसे बहुत फायर की उम्मीद नहीं है वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर बट मुझे लगता है नेगेटिव बेहतर हो रहा है और वो मल्टीपल्स के लिए अच्छा साबित हो सकता है हालाँकि नंबर्स एक या दो क्वार्टर बाद आपको रिफ्लेक्ट करते हुए देखेंगे अच्छा गौतम जी अब आते हैं एक और स्पेस पे जिस जो एक पेनफुल दौर से गुजरा भी थी डेढ़ साल में पर आपकी इस रिपोर्ट में केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स पे लिखा भी गया कि ग्रीन शूट्स विजिबल बट मीनिंगफुल रिकवरी स्टिल अवे बट कुछ ऐड करने लायक आपको लग रहा है इस पर केमिकल बास्केट में तो आ, मुझे लगता है इस स्पेस में डेफिनेटली हमने काफ़ी इंटरेस्ट देखा है पिछले दो तीन महीनों से बिकॉज़ पिछले दो सालों से यहाँ पे मार्जिन नीचे आया है अगर आप पिछले पाँच साल के नंबर्स देखते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स के जो कोविड का चार क्वार्टर का पीरियड था उस चार क्वार्टर के पीरियड में इनके ग्रॉस मार्जिन चालीस से पचास टका हो गया राइट एंड उसके बाद के जो नेक्स्ट पाँच क्वार्टर है वापस से पचास से एग्जैक्ट चालीस टका पे आके रुक गए तो पिछले दो सालों से कोई अर्निंग्स ग्रोथ इन स्पेसिस में नहीं रही है इसके वजह से क्या हुआ है कि स्टॉक नहीं चलने के बावजूद भी वैल्युएशन आपको ज़्यादा करेक्ट होते हुए नहीं दिखे क्योंकि अर्निंग्स भी नहीं आई थी अब धीरे धीरे एक उम्मीद बन रही है कि शायद से रियलाइजेशन का एक बेस बन गया है वहाँ से इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद है जहाँ तक हमारा सवाल है हम अभी एक और दो क्वार्टर एक दो क्वार्टर और इनके नंबर्स देखेंगे हमें इस क्वार्टर में भी लगभग लगभग लग 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 20 परसेंट अर्निंग्स डिक्लाइन का हमारा फोरकास्ट है ऑन अ वेरी लो बेस बिकॉज नाउ दिस विल बी द फिफ्थ कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर जहाँ पर अर्निंग्स डिक्लाइन होने वाली है ओके तो ये है केमिकल पे आपका टेक अच्छा मैं शायद यहाँ पे गौतम जी दो स्पेस को एक साथ आपसे पूछना चाहूँगा कैपिल गुड्स एंड वाइट गुड्स सेगमेंट अब क्योंकि बजट बहुत नज़दीक खड़ा है और यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर रहे हैं ए बी बी अभी चेस करने लायक डिफरेंशियल कहाँ पर बचा हुआ है क्योंकि एल लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद एक डिप देखे गया था वाइट गुड्स सेगमेंट पे और कैपिटल गुड्स पे आपका टेक इस वक्त सो इंडस्ट्रियल्स में हमारी राय बहुत पॉजिटिव है बट मैं फिर से दोहराना चाहूँगा यहाँ पे वैल्युएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है राइट तो ए बी बी नाइन्टी फोर टाइम्स ट्रेड कर रहा है हमारे नंबर्स पे एफ आई ट्वेंटी फाइव सीमेंट्स भी महंगा है थर्मैक्स भी महंगा है क्यूमिस भी महंगा है एल एंड टी इज़ द ओनली स्टॉक वेयर यू कैन यू नो रिलेटिवली से देर इज़ सम कम्फर्ट ऑन वैल्युएशंस राइट बट इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्पेस में ये क्वार्टर के भी आकर अगर हमारे नंबर्स देखेंगे तो हमें हमारे कवरेज यूनिवर्स में कैपिटल गुड्स का चौबीस टका अर्निंग्स ग्रोथ का उम्मीद दिख रहा है ये चौबीस डिस्पाइट वीक क्वार्टर ऑफ एल ऑन मार्जिनस अगर आप एल एन हटा के ही वो नंबर्स देखते हैं तो चौवालीस प्रॉफिट ग्रोथ का उम्मीद है ये क्वार्टर में बट मैं यहाँ से अब इनको चेस नहीं करूँगा रीज़न इज़ वेरी सिंपल बिकॉज एंट्री वैल्यूशन आर वेरी डिफरेंट नाउ तो हमने हमारे पोर्टफोलियो में क्या किया एल था एबीबी था किर्लोस्कर ऑयल था तो उसमें से हमने किरलोस्कर ऑयल को रिप्लेस कर दिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है किर्लोस्कर ऑयल हमने अभी छः महीना पहले ऐड किया था फाइव नाइन्टी के प्राइस पे वो छः महीना में एक सौ पैंतीस टका रिटर्न दे चुका है अभी भी वैल्यूशंस रिलेटिवली बेटर है वहाँ पे Cumans, पर वर्सेज क्यूमेंस बट हमें लगता है कि अभी रिलेटिव रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अनफेवरेबल हो चुका है इन सब स्पेसिस में तो यहाँ पर बहुत कॉशन के साथ डिसीजन uh, uh, लेने की ज़रूरत है बिकॉज सबसे ज़्यादा हीट ओवर हीटेड स्पेसिस यही है डिफेंस रेलवेज मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कभी या तो एक प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है वैल्यूएशंस को थोड़ा सा और कम्फर्टेबल होने के लिए ओके okay, एक आखिरी सवाल कोई डार्क हॉर्स अगर जो ध्यान में रखना है इस क्वार्टर में मुझे लगता है जो अभी एक था, uh, का, goods, uh. Uh, उनके नतीजे बहुत अच्छा uh. अच्छे आएंगे uh. मुझे उम्मीद से बेहतर तो uh, जरूर है थोड़ा बहुत बट uh. जब आपका ट्रेंड चेंज होता है अर्निंग्स uh. का राइट right, क्योंकि सीजनल सेक्टर आपका हीट वेव था तो ए रिलेटेड कंपनीज जब जब ट्रेंड चेंज होता है तो नतीजे उम्मीद से आने के बावजूद भी स्टॉक ज़्यादा रिएक्ट करता है थोड़ा बहुत आपने मूवमेंट ऑलरेडी देखा है स्टॉक्स लाइक उल्टा पॉलीकैब हैवल्स काफ़ी चढ़ चुके है। काफी अच्छा हैं बट उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे इस क्वार्टर में और मुझे लगता है कि ये स्पेस जो पिछले एक दो साल से थोड़ा सा बैकबर्नर में चला गया था कंज्यूमर स्टेपल्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहाँ पर एक थोड़ा सा रिकवरी आपको देखने मिलेगा और सबसे बड़ा डार्क हॉर्स आज का है आई टी तीन साल से आप देख रहे हैं स्पेशली लार्ज कैप आईटी कहीं नहीं गया है इन्फोसिस के दाम आज भी अक्टूबर 2021 भाव से नीचे है किसी को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है ये सेक्टर से राइट पाँच छः परसेंट ग्रोथ का उम्मीद है टॉप प्रॉफिट लेवल पे वाए हुआ है। हमने ये सेक्टर को अभी अपग्रेड किया है अंडर से ओवरवेट इसी उम्मीद से कि वैल्यूशन थोड़े आपके फेवर में हैं और इंक्रीमेंटली बेस भी फेवरेबल होते जा रहा है थोड़ा भी अगर आईटी सेक्टर का कमेंट्री पॉजिटिव हो जाता है तो एक आपका यहाँ पे रिलेटिव रिस्क रिवॉर्ड बेटर है बाकी सेक्टर्स के मुताबिक ऑल राइट चलिए गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है और आ, इन सब स्टॉक्स और सेक्टर्स पर नज़र रहेगी मार्केट में भी अच्छी खासी रिकवरी आई है वीरू बैक टू यू जी हाँ बिल्कुल अगर आप देखें तो मार्केट में रिकवरी है निफ्टी आपके स्क्रीन पे इस वक्त करीब करीब चौबीस तीन सौ अठारह की प्रोजेक्ट्री को हिट करता हुआ और फाइव टू सिक्स जीरो फाइव दैट मीस एक बार फिर से बैंक निफ्टी एक स्विंग जनरेट करता हुआ अच्छा अमित सेठ हमारे साथ मौजूद हैं अमित अभी इस वक्त अगर मैं स्क्रीन को देखूँ तो एक स्पेस जो डोमिनेट कर रही है वो है केमिकल बास्केट बीते बीस मिनट में एक स्विंग अच्छा है लुकट एस आर नवीन आपका टेक अगर रीड कर पाए हो इसमें से कुछ आप चीफ जी अगर दोनों का स्ट्रक्चर देखें जस्ट uh, वन uh, जी uh, मुझे स्ट्रक्चर बेटर पे uh, नवीन फ्लोरिन का भी बेटर लग रहा है एस आर एफ भी बेटर है बट uh, अगर हम नवीन फ्लोरिन की बात करें uh, तो दैट इज अ बेटर स्ट्रक्चर थ्री सेवन जीरो सेवन का प्राइस है थर्टी सिक्स सेवेंटी का वीरेंज यहाँ एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट्स रहेंगे थर्टी एट हंड्रेड के नवीन फोरिन आपके स्क्रीन पे सैंतीस ये है इस वक्त अमित जी का टॉप आइडिया अगर आप बैंकिंग में देखें तो इस वक्त बैंक लेके आइए फेडरल बैंक फेडरल बैंक इट्स एक बार फिर से अपने करियर के हाइस्टिक्टी पर ऑल टाइम फेडरल बैंक अब एक काम करते देखिए बहुत गुफ्त हुई गुही यहाँ पर मिड मिड कैप्स पे लार्ज कैप्स पे और टेक्निकल और फंडामेंटल लेकिन अब आपके प्रश्नों के उत्तर जिताने का समय है मार्केट से अगर आप देखें निफ्टी ऑलमोस्ट एट डे हाई और बैंक निफ्टी भी डे हाई तो तमाम दिक्कतों के बावजूद इंडेक्स कहता हुआ मैं झुकेगा नहीं नीरज जी निफ्टी है निफ्टी बैंक डे हाई मैं झुकेगा नहीं नहीं झुका इंडेक्स पूरा मार्केट कह रहा मैं झुकेगा बिल्कुल नहीं झुकना <laughs> <को> तो <laughs> <नहीं> है <laughs> एक बड़ी दिलचस्प बात देखो आप जून के महीने सेंसेक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़िया चार चार पाँच पाँच परसेंट की रफ दिखाए हैं और लोग भूल गए कि स्मॉल मिड कैप दस दस परसेंट चले ए, बात ज्यादा लार्ज कैप ही हो रही है लेकिन तूफान तो इधर ही चल रहा है अभी भी ए, तो रियल स्टोरी तो खैर मिड कैप स्मॉल कैप में है जो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल झुकूंगा नहीं आप कुछ भी करो फिलहाल तो चलिए खैर इसी नोट ए, पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं एक तेजी के माहौल में और इस वक्त भी मजबूत तेजी बनी हुए लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें